ड्यूक 390 मॉडल कौन सा है ये? मॉडल है 2023 का नवंबर का मॉडल 2023 का नवंबर का, बस कुछ ही महीना हुआ है, 6 महीना हुआ है गाड़ी का। साढ़े 7,000 किलोमीटर सिर्फ चला है। यामा की MT ये है सिर्फ 2 महीने का गाड़ी। कंडीशन देख, एक भी स्क्रैच निकला गाड़ी फ्री में। डोमिनोर 400 का ये मॉडल है, बिल्कुल 30 दिन का मॉडल, 1 महीने का हो जाएगा। 80 to 90,000 आप लेके आओ और ये 1 महीने का डोमिनर। इसमें भी चैलेंज है, एक भी स्क्रैच निकला गाड़ी फ्री में। 25 डेज ओल्ड, सिर्फ 25 दिन हुआ है इस बाइक को भाई, यकीन नहीं होता ये सेल पर है। किलोमीटर चला है सिर्फ 200 किलोमीटर, 25 दिन में 200 किलोमीटर चला है ओनर ने। और जाबर 42 बॉबर, ये सिर्फ 7 महीने का गाड़ी। किलोमीटर चला है 5,600 किलोमीटर, 5,600 किलोमीटर 7 महीने में। गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले कई दिनों से आप लोगों ने काफी डिमांड किया था कि भाई धूपगुड़ी का और वीडियो चाहिए, धूपगुड़ी का वीडियो लाओ। बस आप लोगों के लिए आज वापस से आ चुके हैं हम लोग रेवोल्यूशन में, बिल्कुल नया और तगड़ा स्टॉक लेके। अगर आपको ड्यूक की तलाश है तो आपके लिए यहाँ पे ड्यूक की लाइनअप है, अगर आपको NS की तलाश है तो आपके लिए यहाँ पे NS की लाइनअप है, या फिर आप MT और डोमिनर की फैन है तो आपके लिए MT डोमिनर भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो आज की इस वीडियो में इन सारे बाइक्स के बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाला है शोरूम के ओनर से, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और तगड़ा होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारे साथ है शोरूम के ओनर कुणाल भैया। तो कैसे हो भैया? बहुत अच्छे, आप? बस चल रहा है। तो सबसे पहले इस बाइक से शुरू करते हैं, तो क्या डिटेल्स है इस बाइक का? ड्यूक 200 2022 का लास्ट का मॉडल, किलोमीटर चला है 11,000 किलोमीटर। और फर्स्ट ओनर है ये? फर्स्ट ओनर है गाड़ी। फर्स्ट ओनर है। और आस्किंग प्राइस क्या है आपका? आस्किंग प्राइस है 145,000 आपका आस्किंग प्राइस। और किलोमीटर कितना चला है? 11,000 किलोमीटर, सिर्फ 11,000 किलोमीटर। ड्यूक 200 2022 का मॉडल है ये, ठीक है। उसके बाद क्या डिटेल्स है इसका? ये भी ड्यूक 200 10 महीना का गाड़ी है। अच्छा, आप लोग बिल्कुल कंडीशन देख सकते हो, किलोमीटर चला है सिर्फ 8,500 किलोमीटर, 8,500 किलोमीटर चला है। 10 महीना, 10 महीना हुआ है मंथ ओनली। अच्छा, 10 महीना हुआ। और प्राइस क्या रखा है आप? प्राइस है इसका 180, 1,80,000। ये भी ड्यूक 200 है। और फिर हम लोग ड्यूक 390, ड्यूक 390 सबसे डिमांडेबल बाइक में से एक, और जिनको स्प्लिट हेडलैम्प चाहिए उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है यहाँ पे। क्या डिटेल्स है इसका? ये है 2023 का नवंबर का गाड़ी, 2023 का मॉडल है। साढ़े 7,000 किलोमीटर सिर्फ चला है, सिर्फ 7,500। एक भी स्क्रैचेस नहीं है, आप लोग देख सकते हो। टायर कंडीशन, बॉडी कंडीशन बिल्कुल स्क्रैचलेस है, वीडियो में दिख रहा होगा आप लोगों को। और क्या प्राइस है आपका? इसका प्राइस है 2,40,000, 2,40,000 में ड्यूक 390 आपका। मॉडल कौन सा है ये? मॉडल है 2023 का नवंबर का, 2023 का नवंबर का, बस कुछ ही महीना हुआ है, 6 महीना हुआ है गाड़ी का। और अभी बात कर लेते हैं रिफाइनेंस के बारे में, कि आपके यहाँ पे रिफाइनेंस अवेलेबल है? हाँ बिल्कुल, सब गाड़ी में रिफाइनेंस अवेलेबल है, सारे बाइक्स में रिफाइनेंस हो जाएगा। और कौन कौन से एरिया के अंदर अभी आप लोग कर रहे हैं रिफाइनेंस? नॉर्थ बंगाल, ऑल ओवर नॉर्थ बंगाल में ये लोग रिफाइनेंस कर रहे हैं। तो ड्यूक की लाइनअप हमने दिखा दिया, अभी चलते हैं MT की तरफ। तो भैया इधर आ जाओ, बताना चाहता हूँ ड्यूक की लाइनअप में जो ड्यूक है, तीनों मॉडल, तीनों में ड्यूक का मिनिमम डाउन पेमेंट है 70,000 to 80,000। 70,000 to 80,000 आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप 390 लेना चाहते हो या फिर 200 में से कोई भी लेना चाहते हो, तो 70,000 to 80,000 आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सीधा चले जाते हैं इधर यामा की MT की तरफ। तो क्या डिटेल्स है इसका? यामा की MT है सिर्फ 2 महीने का गाड़ी, अभी नंबर प्लेट भी नहीं आया है, 2 महीने का गाड़ी। किलोमीटर चला है सिर्फ 2,300 किलोमीटर, 2,300 किलोमीटर चला है इसका। कंडीशन देख, एक भी स्क्रैच निकला गाड़ी फ्री में, इतना गारंटेड बाइक भाई कोई नहीं देता यहाँ पे, कुणाल भैया दे रहा है रेवोल्यूशन में। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और कितना किलोमीटर चला है ये? 2,300। प्राइस क्या रखा है आपने? प्राइस Only 1,80,000 में आपको 2 महीने का MT मिलेगा। अगर आपके जगह मैं होता तो भाई मैं तो ले लेता नया से, क्योंकि 2 महीने में कुछ पैसा बच रहा है मेरा, तब तो भाई मेरा ही है। उसके बाद चले जाते हैं MT के बाद
लोग हाथी बोलते हैं या फिर हाई सीसी बीस्ट बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, छोटा हाथी। यहाँ पे बजाज की डोमिनर बहुत से लोगों के क्रश, मेरा भी क्रश, मेरा भी पसंदीदा बाइक है ये। क्या डिटेल्स है इसका? डोमिनर 400, डोमिनर 400 का ये मॉडल है, बिल्कुल 30 दिन का मॉडल, एक महीने हुआ है इसको, एक महीने का मॉडल, किलोमीटर अच्छा। सिर्फ चला है 2400 किलोमीटर, एक महीने में सिर्फ 2400 किलोमीटर चला है और ये फॉर सेल पे है रेवोल्यूशन में। और प्राइस क्या रखा है आपने? प्राइस ओनली 2,20,000 में दे दूंगा। ये 2,20,000 में आपको मिल जाएगा। और कोई अगर 2,20,000 में रिफाइनेंस करना चाहे तो डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा? डाउन पेमेंट लगभग 80-90 इसमें हो जाएगा। 80-90,000 आप लेके आओ और ये एक महीने का डोमिनर। इसमें भी चैलेंज है, एक भी स्क्रैच निकला गाड़ी फ्री में। तो भाई तगड़ा डील चल रहा है यहाँ पे, तगड़ा वीडियो हो रहा है यहाँ पे। कोई भी अगर स्क्रैच निकला, डेंट निकला, तो भाई फ्री में गाड़ी लेके जाओ यहाँ पे। नट में अगर भी दाग निकला तो भी फ्री, आपको एक भी पैसा देना नहीं पड़ेगा। नहीं, क्यों भैया, बाद में मुकर के ओपन चैलेंज। ओके ठीक है, ये तो गया डोमिनर के बारे में। तो अभी आते हैं एनएस की लाइनअप पे, तो क्या डिटेल्स है इसका? यह एनएस 160। अच्छा, 2022 का लास्ट का मॉडल, 2022 का लास्ट का एनएस, किलोमीटर सिर्फ चला है 14,000 किलोमीटर, सिर्फ 14,000, 2022 का लास्ट का मॉडल है, सिर्फ एक डेढ़ साल ही हुआ है इसका। और प्राइस क्या रखा है आपने? इसका प्राइस ओनली 95,000। ओनली 95,000 में 2022 की लास्ट का मॉडल है ये एनएस 160 आपका। और उसके बाद चलते हैं एक और एनएस 160 की तरफ, क्या डिटेल्स है? 25 डेज ओल्ड, सिर्फ 25 दिन हुआ है इस बाइक को। भाई यकीन नहीं होता ये सेल पर है, क्या डिटेल्स है बाकी? ये 25 दिन का गाड़ी है, किलोमीटर चला है सिर्फ 200 किलोमीटर, 25 दिन में 200 किलोमीटर चला है ओनर ने, और फास्ट ओनर है ये, 25 दिन हुआ है तो फास्ट ओनर ही है। और प्राइस क्या रखा है आपने? इसका प्राइस ओनली 1,45,000। 25 दिन का पुराना एनएस 1,45,000 में, एकदम शोरूम कंडीशन, शोरूम कंडीशन चैलेंज है। और इसमें भी रिफाइनेंस हो जाएगा। हाँ। कोई अगर एनएस में रिफाइनेंस करना चाहे तो कितना डाउन पेमेंट? एनएस में रिफाइनेंस करना चाहते हो तो आप लोगों को 55-65 के डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। 55-65 तक डाउन पेमेंट आपको करना पड़ेगा अगर आप 25 दिन का एनएस 160 लेना चाहते हो या फिर 2022 के लास्ट के कोई भी एनएस। उसके बाद एक और एनएस 200, क्या डिटेल्स है? 2023 का मॉडल, बिल्कुल 10 महीना हुआ है गाड़ी का, 10 महीना पुराना एनएस 200। और कितना किलोमीटर चला है? किलोमीटर चला है सिर्फ और सिर्फ 10,000 किलोमीटर, सिर्फ 10,000 किलोमीटर चला है 10 महीने में। और फास्ट ओनर है ये? फास्ट ओनर है। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी बाइक्स है ज्यादातर फास्ट ओनर ही है आपके पास। हाँ, और एकदम सारे ब्रांड न्यू कंडीशन में है लगभग। और प्राइस क्या रखा है आपने इसका? प्राइस ओनली 1,35,000, 1,35,000 एनएस 200 का प्राइस है। और इसमें भी थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा प्राइस। और कोई अगर हमारे चैनल की तरफ से आएंगे तो क्या डिस्काउंट रहेगा? वो कर देंगे, ऑन टेबल जब बैठेंगे तो कर देंगे, ऑन टेबल सामने सब गाड़ी में कर देंगे एकदम डिस्काउंट, थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक और एनएस 160, 7 महीना का गाड़ी। अच्छा, किलोमीटर चला है सिर्फ और सिर्फ 7,500 किलोमीटर, 7,500 किलोमीटर चला है, 7 महीने का गाड़ी, 7 महीने का गाड़ी, ठीक है, फर्स्ट ओनर है ये भी फर्स्ट ओनर है। अच्छा, और प्राइस क्या रखा है आपने? प्राइस ओनली 1,27,000, 1,27,000 इसका प्राइस रखा है। और 7 महीने का गाड़ी है। और कितना किलोमीटर चला है? किलोमीटर 7,500 किलोमीटर, 7,500 इसका किलोमीटर चला है। और ये भी बिल्कुल स्क्रैचलेस कंडीशन में ही है और ज्यादातर यहाँ पे ब्रांड न्यू कंडीशन में आपको मिलेगा। ये कितना दिन हुआ है एमटी का? एमटी का ओनली 2 महीने का, 2 महीने का एमटी, 30 दिन का डोमिनर या फिर 25 दिन का एनएस, ये सारे ऑप्शन आपको मिलेगा रेवोल्यूशन में। अगर आपको इन बाइक में से किसी भी बाइक को लेना है, अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो नीचे है नंबर से आप भाई से बात कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, एड्रेस, फोन नंबर, सब कुछ वहां भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो सीधा चलते हैं आज की इस वीडियो की लास्ट बाइक की तरफ, जो है एक स्पेशल बाइक, बहुत ही जावा की तरफ से बॉबर 42। तो भैया क्या डिटेल्स है इसका? सब लोगों को मतलब स्पोर्ट्स के वगैरह क्रूजर बाइक भी चाहिए, इसलिए रखा है जावा 42 बॉबर। ये सिर्फ है 7 महीने का गाड़ी। हाँ। किलोमीटर चला है 5,600 किलोमीटर, 5,600 किलोमीटर 7 महीने में। हाँ। जावा 42 बढ़िया कंडीशन में दिख रहा है इसमें मुझे। दे देंगे हम सीट भी, दे देंगे पीछे वाला सीट भी आपको मिल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। सिंगल सीट नहीं है, पीछे का पिलियन का जो सीट होता है वो भी भाई दे देगा आपको। और फर्स्ट ओनर है ये, फर्स्ट ओनर, ये भी फर्स्ट ओनर है। और प्राइस क्या रखा है आपने? ओनली 1,75,000,
ओनली 1,75,000 भाई ने इसका प्राइस रखा है। कितना किलोमीटर चला है आपने बताया? 5,600 किलोमीटर। सिर्फ 5,600 किलोमीटर। और कितना पुराना है? 7 महीने का। 7 महीने का जावा 42 आपका 1,75,000 में। और इसमें भी थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा। और कोई अगर जावा 42 में रिफाइनेंस करना चाहे तो डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा आपको? इसका डाउन पेमेंट 70 to 75,000 डाउन पेमेंट करने से ये बाइक हो जाएगा आपका। क्यों भैया? एकदम। और सभी यही बात है कि नॉर्थ बंगाल, ऑल ओवर नॉर्थ बंगाल में रिफाइनेंस हो जाएगा। अच्छा, कहीं से भी हो, ये जलपाईगुड़ी, अलीपुर द्वार, कूचबिहार, दार्जिलिंग, सभी एरिया में, सभी डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में बोल देता हूँ, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ये तीनों लाने से बैंक का जो बुक है वो रिफाइनेंस के लिए हो जाएगा। और ओनरशिप चेंजेस का जो मसला होता है कि आप लोग ही करवा के देंगे? हम लोग ही, एकदम जिम्मेदारी हमका है। अच्छा, कोई एक्स्ट्रा पे करना नहीं पड़ेगा? एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ओनली 4,000 रुपए। अच्छा, ओनरशिप चेंजेस के लिए जिम्मेदारी भाई लोग लेंगे, लेकिन पैसा आपको देना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपए। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको ओनरशिप चेंजेस के लिए? 4,000 रुपए अगर कैश में लोगे तो 4,000 रुपए, अगर आप लोग लोन में करवाओगे तो उसका कॉस्ट पड़ेगा 5,500 रुपए। अच्छा, अगर फाइनेंस में हो तो थोड़ा बढ़ेगा, एप्लीकेशन बैठता है इसलिए। अच्छा, और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन के लिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको? आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का जो डिटेल्स। अच्छा, आधार, वोटर, पैन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लाओ, 4,000 रुपए लाओ। अगर आप कैश में डील करोगे, अगर फाइनेंस करोगे तो 5,500 रुपए लाओ और बाइक हो जाएगा आपका नाम, आपके नाम पे, एकदम है ना, पेपर वगैरह देके एकदम सब कुछ हो जाएगा। तो भाई आज हमने दिखा दिया आपको रेवोल्यूशन में, आप लोगों का काफी डिमांड रहा है कि धूपगुड़ी का और वीडियो लाओ भाई। तो सिर्फ आपके लिए आज हम लोग लेके आए रेवोल्यूशन में बिल्कुल तगड़े और नए स्टॉक। तो करने वाले हैं कि जो रिक्वायरमेंट रहता है लो सीसी गाड़ी का, अच्छा, और लो सीसी गाड़ी अगले महीने में शायद घुस जाएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं ऐसा ही टॉप नॉच कंडीशन में मिल जाएगा गाड़ी। अगर आपको थोड़ा अंडर बजट में चाहिए, लो सीसी में, लोअर सेगमेंट में, तो वो भी मिल जाएगा अगले महीने तक। तो वो वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है चैनल पे, तो चैनल पे बने रहना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई वीडियो आपको कैसा लगा, बाइक से आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे ज्यादातर बाइक ब्रांड न्यू कंडीशन में, और 3 बाइक तो ऐसा है भाई कि अभी अभी शोरूम से निकला है, ये 2 महीने का, वो डोमिनर 1 महीने का, और एनएस तो बस 25 दिन ही हुआ है इसका, और ये सेल पर है यहाँ पे, और जिस प्राइस पे भाई ने रखा है, मेरे ख्याल से नया लेने से बेहतर है ये लेना, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आप बोल सकते हो मेरे ख्याल से। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।